बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम मेरे पाकिस्तानियों मेरे भाइयों मेरी बेटियों और मेरी बहनों ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें आपकी मेहरबानी होगी मैं इस चैनल पे आपको खुश आमदेद कहूँगा आज की जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं ये कि एक सिलसिला जो चल रहा है तो रस्ते में उसके रुकावटें कम नहीं हुई बढ़ती जा रही हैं अब हम आज उन्होंने फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि उनको सीटें सुनी तहरीक है यानी पार्टी है उनको नहीं दी दी जाएंगी तो इसका का मतलब जो है कि आप लंबी जंग मुसलत करने पर तुले हुए हैं और इसमें अपने आप को जो सिविल गवर्नमेंट बनी बैठी हैं उनको तो माले का नीमत मिल रहा है उनको मुफ्त के अंदर बैठ के ना उसमें ना उन उनकी कोई एफर्ट ना उनका कोई काम तो उनको सीटें मिल जाएंगी और वो कतई अक्सरियत हासिल करते जाएंगे और इस तरह की कतई अक्सरियत जब हासिल आ, कर ली जाती है तो फिर आ, ये इन अदारों का चलना मुश्किल हो जाता है मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास से बातें जाएंगी कुछ ज़्यादा तो उनसे भी नहीं है और वो क्या फैसला करते हैं देखने के लेकिन इसके साथ जो बड़ा वाक़ हुआ है वो महमूद खाचे के जाके उसके प्लाट पे कब्जा करना और उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर घर, घरों के अंदर घुस जाना ये अगर से नई चीज़ तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद बलोचिस्तान में जो ये लीडर्स हैं और इनका बाबाकार तरीके से इन्होंने सारी उम्र ये सियासत भी की है और पाकिस्तान की फेडरेशन की सियासत करने वाले कितने रह गए हैं बलोचस्तान में कम होते जा रहे हैं जिन्होंने फेडरेशन का साथ दिया तो फेडरेशन ने हमेशा उनको तबाह किया यह अजीब वरीब बात है जमाली से वो उन्होंने फेडरेशन का साथ दिया कैदम के वक्त से तो फिर उन, उनके साथ भी क्या हुआ कि जो वजीर अज़म एक दबा सरदार जफर जमाली को बनाया तो वो कहता था मैं तो उनका मैं पी आर ओ हूँ मैं वज़ी अजम थोड़ा हूँ इसी तरीके से हमने कभी उनको इज़्ज़त भी नहीं दी क्योंकि हम मालिक हैं पाकिस्तान के और ये हम हमारी हमारे अबाओजा फतवाहत की थी इन छोटे शूबों को भी हमने फतह किया था सिंध को भी फतह किया था अंग्रेज़ तो फतह नहीं कर सका था और आखिर दम तक लड़ते रहे उनके ख़िलाफ़ आज़ादी की जंगें लड़ते रहे बलोचिस्तान के अंदर भी ये तमाम कबायल जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी रोम आज़ादी तक वो जंगें लड़ रहे थे उनके ऊपर वो हवाई हमले कर रहे थे सिंध में भी हुरों पर और वहाँ मरी कबायल पे भी मैंगल कबायल पे भी और तमाम बलोचिस्तान लड़ रहा था पश्तून एरिए भी उन्होंने और वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया था अब उनकी इस इज्जत को इस वो कार को बरकरार रखने के बजाय जो एक तो उनकी जतीिय हसीयत को भी ये ठेस पहुँचाना न था मैं मेरे साथ तो ये गुजरी है मैं मेरे साथ मेरी सारी ठीक कह रहे हैं लोग वो भी सोशल uh, मीडिया पे भी कि हमारे तो ये हैसियत इतनी सी थी सोलह सत्रह करोड़ की आके उन्होंने भस्म कर दी वो सारी प्रॉपर्टी और उसके अंदर शाम को उन्होंने आराम से कह दिया कि ये जमीन जमीनें तो उन्हीं की थी प्लाट उन्हीं के थे शादी घर भी उन्हीं का था हमारा वो औकाव की जमीनें नहीं थी तो शाम को आपके ज़िले का डीसी जो है ये रिलीज प्रेस रिलीज जारी कर रहा है और काफ़ प्रेस रिलीज़ कर रहा है कि हमारा जगह उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था अलबत उन्होंने नक्शे जमा नहीं कराए हुए थे हालांकि वो भी हमने कराए हुए थे तो उसको जाके के पूरी तरह तबाह बर्बाद किया हुआ है आप जाके देखें वो लगता है कि गजा का इलाका है गज़ा का फ़लस्तीन का इलाका है अभी तक वो सारा मलबा पड़ा हुआ है अब क्या कौन सा है बारह एकड़ के अंदर फे, फे, चीज़ें फैली पड़ी हैं उन्होंने क्रह आके लगा दी उन्होंने बुलडोजर और उख, उखाड़ के फेंक दिया चलिए ये तो हम पंजाब वाले कुछ ज़्यादा रद्द रद्द हमल कर दिखा भी नहीं सकते और, और मैं आज भी कहता हूँ वो मेरे गिराए भी थे तो बाजवा साहब ने जनाब लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर बाजवा साहब ने इनके बारे में एक बात भी करने को तैयार नहीं है ना मुस्लिम लीग वाले ना पीपल्स पार्टी वाले दे, दे, ये ये कैफियत तो ये है फैज़ अमीन ने भी वो गिराया और उनको उसको भी शायद तहरीक इंसाफ वाले भी उसको बुरा ना कहें लेकिन हमारे साथ हम जिनके साथ हुआ मैंने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को मैं इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता क्योंकि इन जो हमारी सिविलियन हुकूमतें होती हैं उनकी मुझे पता है कि उनके पर काट के उनको वहाँ पर बिठाया जाता है अगर वो उस कटे हुए परों के साथ उड़ान भरना चाहते हैं तो वो मुंह के बल ज़मीन पे आके गिर जाते हैं यही मेरी जंग है जो मैंने सारी उम्र लड़ी है इस्टेब्लिशमेंट से जहाँ नाराज़ हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट होती है क्यों क्योंकि हम बिल्कुल टारगेट उसी को मैं करता हूँ तो वो उसके बाद उनके कहने पे हमारे तमाम जो मीडिया है प्रिंट मीडिया है या आपका सोशल मीडिया है तमाम के ऊपर हमारे नामों के आगे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कभी इनका नाम आए भी ना दुनिया को क्या पता कोई एक जवेद आशिम बेचारा एक गांव का रहने वाला था उसका सारा कुछ छीन लिया गया मार लिया गया तो होगा तो लेकिन मैं इस पर खामोश नहीं रहता मैं बताता इसलिए हूँ कि वो मेरे काज को मेरे मकसद को प्रोजेक्ट करता है मैं बताता हूँ कि इन्होंने किया है हमारे साथ आज मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आप देखें रात ही वो कल उन्होंने को, को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया और रातों रात इनको समझ में आई कि उसने कब्जा किया हुआ है और हमसायों के प्रांत पे भी कब्जा किया हुआ है रात को वो को खुदा का नाम मानो यार तो इससे पहले उसका उसकी जायदादों पे ज़मीनों पे आपको किसी का ना एतराज़ था ना कोई जंग थी तो कहा ये इस तरीके से आप अगर जंग करना चाहते हैं अपने लोगों से जो अंग्रेजों से तो लड़ सकते हैं बेचारे अपने लोगों से और फिर बलोचिस्तान के अंदर रहने वाले वो पश्तून हो या अपना हमारे आज़ाद बलोचिस्तान कहलाता था प्री पार्टीशन भी बाद में भी वो आज़ाद पर बलोचिस्तान था ये ब्रिटिश पख्तून इलाक़ा था बलोचिस्तान दोनों थे बलोचिस्तान का हिस्सा तो उ, उनकी तमाम लीडरशिप को हम इज़ाद, इज़ाद के इज़्ज़त के साथ देखते हैं इन मामला से मैं आपसे फिर दरखास्त करूँगा मामला आगे बढ़ नहीं रहे ये अब आप जो चाह रहे हैं वो एक मुल्क के अंदर एक आरामदेह स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री और द डेमोक्रेसी यू डोंट वांट दैट आप उसको रुकावटें डालेंगे उन्हें उसने कह दिया तो महमूद अशक जी ने कि सत्तर अरब रुपया बलूचस्तान से आ, आया है और वो सीटें बेची गई हैं और कोर कमांडर से लेकर नीचे तक लोग उन्होंने ये किया है तो अब उसकी या तो तहकीक कर तहकीक कराने कोई ट्रिब्यूनल बना लें उसके बजाय उन्होंने कहा इसलिए ये बात की क्यों है वो आगे इस मुल्क का प्रेसिडेंशियल इस वक्त वो कैंडिडेट भी बना बैठा है तो हमारे सामने उसकी हैसियत क्या है अब जहाँ अब महमूद खान आज की कोई हैसियत ना हो वहाँ मैं जवेद आज भी कहूँ कि मेरी बड़ी हैसियत है मुझे तो अपनी हैसियत का समझ फौरन आ जाती है लेकिन एक दिल है कि वो कहता है कि इस मुल्क को हमने बचाना है यहाँ जमहूरियत लेके आनी है हम उस जमहूरीत के लिए पिस जाएंगे पाँव के नीचे पिस जाएंगे हमारा नाम कोई लेगा भी नहीं लेकिन एट द मोमेंट हम अपनी बात को खामोशी से बर्दाश्त करें मुल्क के अंदर जमहूरीत के साथ खिलवाड़ हो रहा और हम कहें ठीक है भाई ये जमहूत के साथ खिलवाड़ नहीं है ये पाकिस्तान के वजूद के साथ खिलवाड़ है और अगर हमारे अपने लोग ये करना शुरू कर दें हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे तो इसका नतीजा मुल्क और कौम के लिए सही नहीं होगा और ना ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बेहतरी आएगी ये बदतरी बदतरी की तरफ हम जाएंगे और अल्टीमेट नुकसान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को ही होगा